जान लेते हैं कि आज दिल्ली में कैसा रहने वाला है मौसम। दिल्ली NCR में बारिश का दौर जारी है। यहाँ रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, कहीं बूंदाबांदी हो रही है तो कहीं पर लोगों को उमस भरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बारिश से लोगों को उमस से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। तो वही शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। गुरुवार रात हुई बारिश से शुक्रवार के मौसम सुहाना बना हुआ है। दिन चढ़ने के साथ साथ उमस भी बढ़ने लगी है। उसके बाद शाम होते होते दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। आइए आपको बताते हैं कि आज कैसा रहने वाला है मौसम। दिल्ली में पिछले 13 से 14 दिनों तक लगातार बारिश हो रही है। IMD की डाटा के अनुसार अगस्त के महीने में दिल्ली में लगातार 13 दिन बारिश पिछले 13 साल में कहीं नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक सामान्य तौर पर अगस्त के महीने में दिल्ली की 233.1 mm की बारिश होती है, लेकिन इस बार मात्र 16 दिन में ही दिल्ली में अगस्त में बारिश कम से कम 234.5 mm का कोटा पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि 1 अगस्त को दिल्ली में सबसे अधिक 107.6 mm बारिश दर्ज की गई। उसके बाद से ही बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस दौरान भी किसी दिन 30 mm से अधिक बारिश नहीं हुई है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार को दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखी गई। दिल्ली के पालम में 28.5 mm बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। कहीं बूंदाबांदी देखने को मिलेगी तो कहीं सूखा रहेगा। वहीं कई इलाकों में बदरा और झमाझम बरसेंगे। बूंदाबांदी बारिश से दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आएगी। दिल्ली सहित गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी बूंदाबांदी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। NCR के क्षेत्रों में भारी बारिश से हवा चलने की भी उम्मीद जताई गई है। मौसम ने एक बार फिर से अपनी चाल बदल दी है। उमस भरी गर्मी ने फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। बारिश तो हो ही रही है पर मौसम ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। IMD ने 18 से 21 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दो दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार को भी कहीं बारिश हुई तो कहीं पर आसमान में बादल छाए रहे। यूपी के कई इलाकों में धूप निकली और भी बारिश हुई। अब जान लेते हैं कि आज कैसा रहने वाला है मौसम। बांदा, प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी और फतेहपुर जिले में भारी बारिश की संभावना है, IMD ने जताई है। इसके साथ ही बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, सतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, खुशीनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने के आसार है। तो 18 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर, पूर्वी यूपी के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही 19 अगस्त को भी पश्चिम यूपी के कुछ स्थानों पर, पूर्वी यूपी के अनेक स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 20 और 21 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भी अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान दोनों हिस्सों में कहीं पर बारिश होने की संभावना है। 22 अगस्त को भी पश्चिमी और पूर्वी यूपी में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड छोटी खबरों के लिए आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।